हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं अपने उस चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 11। इसमें सेक्शन 193 से लेके 197 हम फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 193 से। लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑक्यूपायर एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस। देखो, जब भी अनलॉफुल असेंबली या कोई दंगे होते हैं तो हो सकता है वो किसी जगह पे हो रहे हैं और उस जगह का जो ओनर है या जिसके अंडर वो आती है तो वहाँ वो भी पनिशमेंट का हकदार होगा। तो ये बात करता है सेक्शन 193 में। कैसे होगा, किस सर्कमस्टेंसेस में होगा, तो सेक्शन 193 का फर्स्ट सबसेक्शन कहता है, व्हेन एवर एनी अनलॉफुल असेंबली और रॉयट टेक प्लेस। अनलॉफुल असेंबली या रॉयट होते हैं तो ओनर या ऑक्यूपायर जो लैंड का है अपॉन विच जिस पे अनलॉफुल असेंबली हुई है या फिर राइट कमिट हुए हैं, एंड एनी पर्सन, और कोई भी पर्सन जो उस लैंड का जिसमें इंटरेस्ट है या फिर वो उसकी लैंड है खुद की, तो 1,000 रुपये का उसको भी जुर्माना हो सकता है। कंडीशंस क्या क्या हैं? इफ़ ही और हिज एजेंट और मैनेजर, यानी कि कब, जब वो खुद या फिर उसका कोई एजेंट और मैनेजर, मान लो वो ज़मीन जो है वो संभाल रहा था, नोइंग, उनको पता था कि ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कई सर्कमस्टेंस हैं, यानी कि कोई भी इनमें से एक हो सकती है क्योंकि और वर्ड यूज़ किया है, तो हो रहा है या हो चुका है, और हैविंग रीज़न टू बिलीव इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, या उनको विश्वास है कि ऐसा होने वाला है, लाइकली टू बी कमिटेड हो सकता है। डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयर ऑफ। अब इन दोनों सिचुएशन में और यूज़ हुआ, दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि कोई भी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया। एंड ये यानी कि दूसरी कंडीशन ये आएगी, एंड यूज़ हुआ है, डू नॉट, और नोटिस नहीं दिया, और क्या नहीं किया कि अगर उनको पता था, इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीज़न टू बिलीव कि ऐसा होने वाला है, तो हो सकता है वो कुछ लॉफुल मीन्स को यूज़ करते, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते जो लॉ ने उन्हें बोला है कि आप अपने डिफेंस में या अपने उसमें अपनी लैंड पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो लॉ ने उनको जो हक दे रखा है वो उन्होंने यूज़ नहीं किया उस दंगों या अनलॉफुल असेंबली को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग, मान लो हो भी गया, मान लो वो दंगा वगैरह हो भी गया वहाँ पे, तो उन्होंने लॉफुल मीन्स यूज़ नहीं किए टू डिस्पर्स और सप्रेस द रॉयट और अनलॉफुल असेंबली। इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स और सप्रेस द रॉयट और अनलॉफुल असेंबली। डू नॉट यूज़ ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स। अगर मान लो हो भी गया है, एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, अगर वो दंगा वगैरह हो गया है, तो वहाँ पे लॉफुल मीन्स जो है वो यूज़ नहीं किए। फिर है सबसेक्शन 2, वेन एवर ए रॉयट इज़ कमिटेड फॉर द बेनिफिट। अब सेकेंड और थर्ड बात करता है बेनिफिट के बारे में, यानी कि जो पर्सन है, जो ओनर है, उनके बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। सेकेंड सबसेक्शन कहता है, वेन एवर ए राइट इज़ कमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, यानी कि जो ओनर है उसके बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ होता है, कुछ राइट कमिट होता है, या फिर जो ऑक्यूपायर है वहाँ का उसके लिए, रिस्पेक्टिंग जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, रॉयट टेक्स प्लेस, और हु क्लेम्स एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, और जिसका उस लैंड पे क्या है, कब्जा है, क्लेम कर रहे हैं वो, और इन द सब्जेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच गेव राइज टू द रॉयट, और हु हैज़ एक्सेप्टेड और डिराइव्ड एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम। वो उस लैंड से क्या कर रहे हैं, कोई बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, फाइन लगेगा। और ये कंडीशंस भी हैं आगे, इफ़ ही और हिज एजेंट और मैनेजर, यानी कि वो खुद या फिर उसका एजेंट या मैनेजर ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसा दंगा होने वाला है या फिर
that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held. Shall not, होने वाला है, लेकिन lawful means, वही दोबारा बात आ गई, use नहीं किए उसको रोकने के लिए कि वहाँ से जो हैं वो दंगाई हैं, जो वो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं किया. लॉफुल मीन्स उन्होंने कुछ ऐसे यूज़ नहीं किए, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको फ़ाइन भरना पड़ेगा. अब है थर्ड, सेकंड और थर्ड का देखा, देखो डिफरेंस याद रखना, वैसे अगर हम पढ़ते हैं ना तो सेम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इन दोनों का डिफरेंस. थर्ड में देखो क्या कहता है, वेन एवर ए रॉयट इज़ कमिटेड फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज़ द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी लैंड. अब दंगे हो रहे हैं किसके लिए, बेनिफिट के लिए, सेम वही ओनर या ऑक्यूपायर के लिए जहाँ पे होने वाले हैं दंगे, जिनका कोई उस लैंड में इंटरेस्ट है, या फिर जो डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने उसी चीज़ को, दंगों को भड़काया, और उन लोगों को क्या होने वाला है, बेनिफिट. तो यहाँ पे देखना थर्ड में, द एजेंट और मैनेजर ऑफ सच पर्सन. अब यहाँ पे ओनर नहीं, एजेंट और मैनेजर जो है वो फाइन का जो है पनिशमेंट उनको होगी, अगर ऐसा सच एजेंट, ऊपर क्या था ही और हिज एजेंट और मैनेजर, मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, इफ़ सच एजेंट और मैनेजर, यानी कि थर्ड में ओनर को नहीं आप गिल्टी मानते हो, एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच रॉयट वॉज लाइकली टू बी कमिटेड और दैट द अनलॉफुल असेंबली बाय विच सच रॉयट वॉज कमिटेड वॉज लाइकली टू बी हेल्ड शैल नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज पावर टू प्रिवेंट सच रॉयट और असेंबली फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड फॉर सप्रेसिंग एंड डिस्पर्सिंग द सेम. यानी कि उन लोगों ने क्या किया है, उनको पता था ऐसा होने वाला है, और लेकिन उनको रोकने के लिए उन्होंने कोई भी लॉफुल स्टेप वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए नहीं उठाए, अगर हो गए थे तो वहाँ पे उनको डिस्पर्स करने के लिए भी कोई स्टेप्स, लॉफुल स्टेप्स नहीं उठाए. तो ये है सेकंड थर्ड का डिफरेंस. 194 बात करता है एफरे की. एफरे की जो पनिशमेंट है वो बता देती हूँ, 1 महीना और 1000 रुपीज़ है. जब 2 या उससे ज़्यादा पर्सन, when 2 or more persons by fighting in a public place, public place में 2 या उससे ज़्यादा person लड़ते हैं और disturb कर देते हैं public peace को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एफरे होगा. और second subsection में इसकी punishment जो मैंने बता दी है वो बताई गई है. Section 195 कहता है assaulting or obstructing public servant when suppressing right etc. यानी कि अब देखो दंगे हो गए, अब उनको रोकने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट आया, और आपने क्या किया, उन्हीं के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर ली. ये बात कहता है सेक्शन 195, हु एवर असॉल्ट्स, कोई भी असॉल्ट करता है या फिर रोकता है, दोनों दो वर्ड हो गए, एक्टसरियस क्या हो गया, असॉल्ट भी हो गया या फिर और हुआ, यानी कि असॉल्ट हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आपने रोका एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, और यूजेस क्रिमिनल फोर्स. अब तीसरी क्या चीज़ आ गई, आपने क्रिमिनल फोर्स यूज़ की उन पब्लिक सर्वेंट को, क्या कर रहे थे वो, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट इंडिवेरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली. यानी कि उन पब्लिक सर्वेंट्स को बोला गया था कि आपको अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना है, लेकिन आपने क्या किया, असॉल्ट, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर दी, और टू सप्रेस रॉयट और एफरे, यानी कि इन तीनों चीज़ों के लिए उनको वहाँ पे लगाया गया था, तो वहाँ पे 3 साल की सज़ा हो जाएगी और 25,000 का क्या होगा, जुर्माना हो जाएगा, फाइन हो जाएगा. सेकंड में क्या है, हु एवर थ्रेटन, यहाँ पे आप कर नहीं रहे हो, यहाँ पे आपने धमकी दी है, टू असॉल्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट और थ्रेटन और अटेम्प्ट्स टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट इन एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली और टू सप्रेस, सेम बात आ गई. तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, कर दिया है, सेकंड में क्या है, धमकी दे रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर ऑफेंस हो गया, तो 1 साल की सज़ा हो जाएगी सेकंड में. सेक्शन 196 बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड ओन, यानी कि शत्रुता को बढ़ाना अलग अलग ग्रुप के बीच में. वो ग्रुप किस बेस पे डिवाइड हो सकते हैं, धर्म के नाम पे हो सकते हैं, रिलीजियन, रेस, जाति के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा, एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हारमनी.
यानी कि आप क्या कर रहे हो, दो ग्रुप हैं और ये जो फैक्टर बताए इनके ऊपर वो ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हैं और वहाँ आप शत्रुता उनमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ की जो शांति है उसको भंग करने की। तो वहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 196 आएगा, हुएवर। ए कहता है बाय वर्ड्स, अब शब्दों के द्वारा, शब्द कैसे, लिखे हुए या फिर बोलकर या फिर किसी साइन द्वारा या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदरवाइज, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं या फेसबुक के जरिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये सब आ गए। तो इन तरीकों के जरिए आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो या फिर कोशिश करते हो प्रमोट करने की, किन किन ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी या फिर इन्हीं से मिलता जुलता कोई ग्राउंड। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनमिटी, यानी कि उन ग्रुप्स के बीच में आप घृणा पैदा कर रहे हो, हेटर और इल विल, उनके बीच शत्रुता पैदा कर रहे हो बिटवीन दीज डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज़। या फिर बी कमिट्स एनी एक्ट विच इज़ प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और, यानी कि कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हो। ए में क्या आया, आप बोलकर भड़का रहे हो, यहाँ पे आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है। उस जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी होता है जैसे पब्लिक पीस मान सकते हो आप, इसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बी में क्या आ गया, एक्ट आ गया। अब सी में क्या है, और ऑर्गेनाइजेस, यानी कि तीनों में कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई एक्सरसाइज, यानी कि मान लो कुछ लोगों को लेके आप उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेस एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी, मिलती जुलती, इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी शैल यूज़ और बी ट्रेन टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स, कि उनको इस तरह से आप एक्टिविटी में इस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी उनका आप यूज़ कर सकते हो, उनकी क्रिमिनल फोर्स, वो वायलेंस वो यूज़ करेंगे। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी विल यूज़ और बी ट्रेन टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस और पार्टिसिपेट्स इन सच एक्टिविटी इंटेंडिंग टू यूज़ और बी ट्रेन टू यूज़ दिस लाइकली दैट द दे विल यूज़ और बी ट्रेन, सेम बात रिपीट हो रही है, इन सच रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और इन ग्रुप्स में आप ये यूज़ करोगे वो ट्रेनिंग, सिंपल। तो वहाँ पे क्या होगा, अलार्म जो है, फियर ऑफ अलार्म जो है, फियर और अलार्म और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी मेंबर्स के बीच में, जो अलग अलग ग्रुप हैं उनके बीच में। तो वहाँ पे क्या होगा, 3 साल तक की सज़ा हो जाती है। सेकंड सबसेक्शन कहता है, मान लो ये सब चीज़ें जो भी ऊपर सबसेक्शन 1 में 3 चीज़ें कही गई हैं, वर्ड्स हैं, आपका एक्ट है या आप कोई ट्रेनिंग कैंप चला रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, वो आप कर रहे हो किसी पूजा पाठ के स्थान पे, इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इन एनी असेंबली इंगेज, यानी कि वर्शिप किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, ज़रूरी नहीं हिंदू से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, किसी से भी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप यहाँ पे सब के सब आ जाएंगे, या फिर कोई रिलीजियस जो भी धर्म है उनकी वहाँ पे वर्शिप चल रही है या फिर उनकी कोई सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे ये काम करते हो तो जो सजा है बढ़ जाती है, 5 साल हो जाएगी, ठीक है। फिर है सेक्शन 197, कुछ वर्ड्स हैं इसमें, मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, इम्प्यूटेशंस, असर्शंस, प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इम्प्यूटेशन होता है किसी पे एक्यूजेशन, कुछ इल्ज़ाम लगाना, असर्शन होता है दावा, प्री जुडिशियल हमने पहले ही पढ़ा, हार्मफुल, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हार्मफुल होगी, ऐसा दावा या कुछ ऐसा एक्यूजेशन लगाना किसी पे, देखो सेक्शन 197 क्या कह रहा है, हुएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और थ्रो इलेक्ट्रॉनिक, ये 5 चीज़ें पहले भी हमने पढ़ी। क्या क्या कर रहा है, देखो ए में क्या कर रहा है, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन। अब किसी ग्रुप को ये बता रहा है कि जो ये ग्रुप है, ये जो है ये
एक सच्चे फेथ के बंदे या नहीं हैं और वो चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाएगी, मतलब ये हमारे इंडिया के लॉयल नहीं हैं, इस तरह से मतलब जो भी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है उसको ख़राब करना एक ग्रुप के द्वारा। तो मेक्स और पब्लिशेस एनी, यानी कि बनाते हैं या पब्लिश करते हैं ऐसा कुछ कोई इम्प्यूटेशन एक्यूजेशन दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन्स कांट, ठीक है। अब ये कौन सी क्लास होगी ये बता दिया, बाय रीज़न ऑफ देयर बीइंग मेंबर्स, या फिर वो मेंबर कैसे हो सकते हैं, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, भड़काना किसी एक ग्रुप को कि भाई ये तो हैं, ये इन पे आप विश्वास नहीं कर सकते और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के लिए लॉयल भी नहीं है। तो कांट बियर, अब कैनॉट ऊपर था, बियर आगे पढ़ेंगे फिर हम, कैनॉट बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस यानी कि लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड और अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर और बी एसर्ट्स, काउंसल्स, एडवाइजेस, प्रोपगेट्स और पब्लिशेस दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन्स, कि जो अब आप दोबारा सलाह दे रहे हो या पब्लिश करवा रहे हो या किसी को काउंसल कर रहे हो कि ये ग्रुप हैं जो क्लास है हमारी, इनको जो राइट हैं इक्वल राइट वो नहीं दिए जा रहे। तो ये चीज़ अगर आप असर्ट काउंसल किसी को सलाह दे रहे हो कि भाई तुम्हें तो तुम्हारा हक नहीं मिलता कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में, asserts, counsels, advises, propagate or publishes that any class of persons shall by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their rights as citizens of India, or या फिर क्या कर रहे हो, see makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any this community and such assertion, counsel, plea or appeal causes likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill will between such members, यानी कि आप बनाते हो या पब्लिश करते हो कोई ऐसी चीज़, कोई दावा पेश करते हो इस तरह का कि जो ये हैं ये क्लास है, वो क्लास कैसी हो सकती है, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, जो ये बताया ऊपर यही चल रहा है, इनमें तीन चार चीज़ें ये फैक्टर हैं, ये याद करना किस किस बेसिस पे बांटा हुआ है, जो आप ऐसा कुछ पब्लिश करते हैं एंड सच असर्शन काउंसल प्ली, और जो ये आप सलाह दे रहे हो या पब्लिश करवा रहे हो और ये ऐसा दावा पेश करते हो, ये जो है आप लोगों के बीच में आपस में उनके बीच ऐसा कुछ करके क्या कर रहे हो, जैसे हिंदू मुस्लिम के एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में हैं और दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में गलत फैला रहे हैं, ठीक है, उनके मन के अंदर ऐसे कि ये हमारे खिलाफ हैं, हेटर्ड, इलविल, इस तरह के वर्ड इसलिए यूज़ किए, एनमिटी, शत्रुता, घृणा पैदा कर रहे हो कि ये जो हैं ये मेम्बर्स हैं, ये क्लास ऑफ पर्सन हैं, ये जो हैं हमारे विश्वास के लायक नहीं है या जो भी है, इस तरह से इन चीज़ों को करके आप पर्टिकुलर क्लास में ये डिसहार्मनी, फीलिंग ऑफ एनमिटी, हेटेड वगैरह फैला रहे हो। तो सी में ये है, मैं इसलिए एम्फेसाइज धीरे धीरे करके बता रही हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ है वैसे तो देखा जाए ए बी सी डी में, हल्का फुल्का है जो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। डी में है मेक्स और पब्लिशेज फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जियो पार्टीजिंग, ये देखो ये इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा करना जो टू डू समथिंग दैट में डैमेज और समथिंग टू पुट इट एट रिस्क द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ आप ऐसा करते हैं और पब्लिश करवाते हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर भारत की इन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ये वर्ड्स हैं, इन सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता वगैरह, इनको जो है आप रिस्क में डालते हो कुछ ऐसा मिसलीड और गलत इन्फॉर्मेशन देकर। तो इनमें क्या होगा, सब में चारों में 3 साल की सज़ा हो जाएगी। सेकंड में कहता है कि यही सब चीज़ें सेकंड में है कि अगर आप वर्शिप वाली जगह पे करते हैं तो वहाँ पे 5 साल की सज़ा हो जाएगी। तो सज़ा जो है ऊपर वाले की 196 वाले की सेम है, तो 197 में सेम रहेगी, वर्शिप वाली जगह पे रिलीजियस सेरेमनी जहाँ पे हो रही है रिलीजियस वर्शिप, वहाँ पे 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी और फ़ाइन भी होगा।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आगे हम चैप्टर 13 करेंगे, तो सॉरी 12 करेंगे, हमारे चैप्टर 11 कंप्लीट हो गए हैं। अब तक मैंने सेक्शन 1 से लेके 197 करवा दिए हैं। मेरे चैनल पे BNS में जाके आप ये सारी वीडियोस सेक्शन वाइज देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।